everyone, welcome to my kitchen. I am Anisha Sabu and I am studying in Xavier College of Hotel Management, BHM third year. And I would like to thank my college for giving us the opportunity of showing such recipes in lockdown period and showing our skills and our talent to the audience. And today I will show you a easy recipe of Zebronic marble cake, which is a design cake. And I will just show you what are the ingredients. This is butter, which is 125 grams. This is powdered sugar, which is 150 grams. This is all-purpose flour or maida, which is 200 grams. This is 3 tablespoons of cocoa powder. This is milk, which I have taken 1 cup. And this is vanilla essence for the flavoring agent. And these are 3 eggs, which I have taken out in the bowl. And then what I will do, the procedure is, मैंने बटर लिया है, इसको हम हीटर से, इलेक्ट्रिक हीटर से इसको हम स्मूथ करेंगे. इसमें हम डालेंगे अभी शुगर, ये पाउडर शुगर है, ये हम सारा का सारा डाल देंगे. आप शुगर का इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको टेस्ट में अच्छा लगे. अच्छे से व्हिप कर लूंगी क्रीमी टेक्सचर आने तक, क्योंकि यही चीज केक को फ्लफी बनाता है. जितना बीट करेंगे वो इतना फ्लफी होगा, क्रीमी टेक्सचर होगा. इसका स्पीड हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे. बटर अभी येलो से व्हाइट होने लगा है. हो गया है, अभी हम इसमें 3 अंडे एक एक करके डालेंगे. ये एक, केक का मेजरमेंट एकदम सही होना चाहिए, मैदे का, बटर का, शुगर का, कोको पाउडर का, दूध का.
किया है। अच्छे से पेंट लेंगे, ये हो गया। अभी हम मैदा मिक्स करेंगे। मैदे में मैंने बेकिंग पाउडर और इसको बेकिंग पाउडर मैंने लिया है 1.5 टीस्पून, जो कि होगा हमारा 8 to 9 ग्राम, ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके मैदे को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये मेरे पास विस्क है, इसी से हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके बैचेस करके मैं डालूंगी मैदे को। इसे मैंने एक बार छान के भी रखा था। मैं थोड़ा सा दूध रखा है मैंने उसको थोड़ा सा पतला करने के लिए। बाकी का जो मैदा है हम उसको डाल देंगे सारा। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। वही प्रोसेस ड्राई इंग्रेडिएंट के बाद हम इसमें वेट इंग्रेडिएंट भी डालेंगे, मिल्क। इसको अच्छे से स्लोली स्लोली हम इसको मिलाएंगे सो दैट इसमें लम्स ना रहे। अभी हम दूसरे बैच में इसको निकाल के इसमें चॉकलेट मिलाएंगे सो दैट वो मार्बल इफेक्ट निकालने के लिए। हमने यहाँ पे आधा निकाल दिया है बैटर। अभी हम इसमें 3 टेबलस्पून कोको पाउडर मिलाएंगे। कोको पाउडर के बाद हम इसमें वनीला एसेंस मिलाएंगे लास्ट में, क्योंकि हमें पता रहे कि कितना डालने से इसका स्मेल अच्छा रहेगा। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून डाला है। ये अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसको सो दैट इसमें कोई भी गुठली ना रहे। थोड़ा सा मिल्क भी हम थोड़ा ऐड कर लेंगे इसको थोड़ा पतला करने के लिए, क्योंकि कोको पाउडर की वजह से ये थोड़ा सा स्टिफ हो गया है। अच्छी तरह से मिक्स। अभी हम जाते हैं दूसरे व्हाइट वाले जो बैटर है वो उसमें डालेंगे। इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल देंगे 1 टेबलस्पून के आसपास और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये इसमें मैंने ग्रीस करके रखा है, ऑयल ग्रीस किया है और उसमें मैदा डस्ट किया है, ठीक है। तो ये आसानी से हम लोग का केक जो है वो छूट जाएगा। अभी हम उसको लेयरिंग करेंगे। फर्स्ट हम वनीला का एक लेयर बिछाएंगे, इसमें चॉकलेट डालेंगे। चॉकलेट को हम अच्छे से बीच में डालेंगे सो दैट ये एक लेयर फॉर्मेशन करे। ऐसे ही करते करते हमको व्हाइट चॉकलेट करके वाइस वर्सा करके जब तक ये बैटर खत्म ना हो जाए हमको ऐसे ही करते जाना है और बीच में ही डालना है। वाइस वर्सा करके व्हाइट ब्लैक व्हाइट करके इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी हम एक स्टिक, ये साटे स्टिक है, साटे स्टिक यूज होता है तवा करने के लिए, लेकिन मैं इसको अभी डिजाइन करने के लिए यूज करूंगी। और एक नैपकिन भी लीजिएगा इसको साफ करने के लिए। तो अभी आइए एक डिजाइन बनाते हैं। देखिए एक फूल के जैसा लग रहा है। अभी हमने आउट टू इन लिया था, अभी हम इन टू आउट लेंगे। देखिए ये देखिए ये कितना खूबसूरत इसका डिजाइन आ गया है। अभी हम इसको ये जितना मैंने केक का बैटर है इसको हम 40 to 45 मिनट्स के लिए हम इसको बेक करेंगे 180 के टेम्परेचर पे। तो ये इसको प्रीहीट करेंगे। ये हमने प्रीहीट करके रख लिया है। अभी हम इसको अवन के अंदर इंसर्ट करेंगे। ये मैंने जो टेम्परेचर है ये इसको हमने 180 पे डाला है। इसका जो रॉड है ये दोनों रॉड मैंने डाला है सो दैट इसका हीट इवन आए। और ये मैंने स्टे ऑन पे ही रखा है। विच इज द बेस्ट होटल मैनेजमेंट कॉलेज इन ओडिशा? नाउ वेयर इज द एड्रेस? द कैंपस ऑफ जेवियर कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। विच इज द बेस्ट होटल मैनेजमेंट कॉलेज इन ओडिशा दैट प्रोवाइड्स 100% प्लेसमेंट? The courses that are provided by Xavier College of Hotel Management. Xavier College of Hotel Management. तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो ये केक है ये बेक हो गया है अच्छे से और ये ठंडा भी हो गया है। और चलिए इसको हम अभी काटते हैं।
तो ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है ये। तो फ्रेंड्स, हमने ये केक बना के रेडी किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ पे लाइक, कमेंट और शेयर करके मेरा अपना व्यूज दे सकते हैं। थैंक यू।